खबर हरियाणा के झज्जर से है, जहां पर बेरी के गांव सिवाना की रहने वाली निशु अपनी मां और अन्य ग्रामीणों के साथ झज्जर एसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। निशु का आरोप है कि एक माह पूर्व उनके पिता की गैरहाजिरी में कुछ प्रभावशाली दबंग किस्म के लोग मामूली विवाद को लेकर उनके घर में घुस आए और उनकी माँ और उनके दादा दादी के अलावा उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई है कि जब उनके पिता देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं तो उनकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। पीड़ित के मुताबिक बेरी के डीएसपी के अलावा झज्जर के एसपी से भी इस बारे में शिकायत दी गई थी, लेकिन उन्हें कार्रवाई का आश्वासन तो मिला परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजन आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वह बार बार उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने गृह मंत्री से मामले में उचित कार्रवाई की बात की। पहले तो इन्होंने हमारी घर की जमीन दी जो कि खुद हमारी घर की है, फिर भी इनके लोग ज्यादा थे, इनके 40-50 घर हैं जो कि तभी आ जाते हैं और मेरे पापा आर्मी में हैं, दादा दादी बूढ़े हैं, हमारा कोई भी लड़ने का वो नहीं था। हमने हमारे घर वालों की जान बचाने के लिए जगह भी छोड़ दी थी क्योंकि वो हमारे घर के ही वो थी, हमने फिर भी कुछ लड़ाई नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया, हमारे घर पे घुसकर राजवीर व उसके तीनों बच्चों, उसकी पत्नी व उसकी माँ ने मिलकर हमारे साथ मारपीट की, जिसमें मेरे दादी को भी लगी और राजवीर उर्फ रावत ने मेरी मम्मी का सूट फाड़ा और इसके वो भी मेरे पापा घर पे नहीं थे और हम सब के साथ मारपिटाई की और हमने 30 जुलाई को बेरी थाने में अप्लीकेशन की, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही अजीब नलका लगा रहे, पास में इसका नलका काट दिया था और नल के बारे में कहा था वो घर आके चपेट गया। कितने आदमी थे? छह आदमी। तो क्या आज आप एसपी से मिलने आए हो? और इनके साथ नाजायज हो रहे हैं, इनके साथ न्याय किया जाए, कोई सुनवाई नहीं हो।